लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रोजेक्ट एम की फाइल न मिलने से देश को भारी नुकसान हो सकता है। इस वक्त हमारा मिशन उस फाइल को हासिल करना है और इस सिलसिले में सारे डिपार्टमेंट अलर्ट हैं। भारतीय जलरक्षकों के साथ मिलकर नेवी ने समुद्री रास्तों पर अपने पानी के जहाज तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना नेवी के साथ पूरे संपर्क में है। जेंटलमैन, इस शहर और राज्य की पुलिस ने बाहर जाने के सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। दूसरे राज्यों की पुलिस भी हमारी सहायता कर रही है, इसलिए कुंदन का यहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाय, यह आपका बैंगलोर का कंफर्म टिकट है। यस, थैंक यू जी। सर जल्दी कीजिए, फ्लाइट मिस कर जाएंगे। नो प्रॉब्लम। लेट है तो वो यहाँ पहुंचकर आपके घर पर आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। बातों को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको आपके कारोबार की बहुत बड़ी ऊंचाई पर बिठा सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप देश की एकता के लिए बनाए जाने वाले हथियारों के नक्शों को ज्यादा बाहर के मुल्कों से करते हैं। आपने आज टीवी पर मिसाइल लॉन्चिंग के बारे में तो देखा होगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप इस प्रोजेक्ट एम की फाइल हासिल करने के चक्कर में हैं। इस प्रोजेक्ट एम की वो फाइल अगर आपके हाथ लग जाए तो दुनिया को आप अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। और इस वक्त वो फाइल मेरे पास है और मैं इसकी कीमत चाहता हूं, $10 करोड़। ये रकम मैं दुनिया के किसी भी देश से मांग सकता हूं। मुझे मालूम है कि आप एक सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं, लिहाजा कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको मुझसे ज्यादा नुकसान हो। अगर मेरी शर्तों में आपको डील मंजूर है तो कल 11:30 बजे पुराने टनल पर मेरा इंतजार कीजिएगा, कुंदन। अगर ये कंप्यूटर गाइडिंग सिस्टम की फाइल हमारे हाथ आ जाए तो हम दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग हो जाएंगे। हमें उसकी हर शर्त मंजूर है। क्या समझा था? कानून के हाथों से इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे? लमत, डोंट मूव। इस रिवॉल्वर को अंदर रख दो, क्योंकि तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। मुझे मेरे फर्ज ने रोक रखा है। मैं भी उसी फर्ज तले ही दबा हुआ था, लेकिन अब नहीं।
तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। तुम्ही ने इस देश की रक्षा के लिए मिसाइलों का इजाद किया है ना, अब उसी टेक्नोलॉजी को दुश्मन के हाथों बेचकर मेरे मेरे देश के करोड़ों भाई बहनों को बारूद के ढेर पर बिठा देना चाहते हो? हाँ, देखो मेरे सामने बकवास की बातें मत करो, समझे? डोंट। एक अच्छा काम करने से मालिक 100 गुना माफ कर देता है। मैं तुम्हारी सजा माफ करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। डोंट मूव। पंक्चर है। शिट। 11 तो यहीं बच गए। साहब पंक्चर लगाऊं? जल्दी कर, जल्दी कर। ओके साहब। मामला कुछ गड़बड़ है। तुम ठीक कह रहे हो। इतनी बड़ी रकम के साथ हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लगता है यहां से निकलना पड़ेगा। हसीन वादियों की तस्वीरें खींच रहा था, बीच में आप आ गईं। खूबसूरती को कैद करना मेरा पेशा है। मेरा नाम अजय सक्सेना है। I'm a journalist cum photographer। जरा मुस्कुराएंगी? आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी होगी। क्या नाम बताया था आपने? अजय सक्सेना। अच्छा, मिस्टर अजय सक्सेना, कमाल की बात तो ये है कि आपके और हमारे शौक बिल्कुल एक है। देखिए ना, आपको भी फोटोग्राफी का शौक है और मुझे भी। अब वैसे आप बुरा ना माने तो इन हसीन वादियों में मैं भी आपकी चंद तस्वीरें खींच लूं। हाँ, why not? Oh, thank you. Sure. Okay. Lovely. Oh wow. Great. जरा yeah, correct. All right. बस 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 हो गया। Thank you. Welcome. इसे घर जाकर धुलवाइएगा। बहुत खूबसूरत आएंगी।
मुझे मालूम है आपको बहुत 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 गुस्सा आया हुआ है। मैं आपकी कुछ और तस्वीरें खींचना चाहता हूँ। आपके रेशमी बाल, लाल लाल गाल, आंखें खूबसूरती की इंतहा, इन सब खूबियों से भरी अप्सरा को मैं अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। कल ठीक 4 बजे मैं स्कीइंग पॉइंट पर आपका इंतजार करूंगा। आप आएंगी ना? इन सब खूबियों से भरी अप्सरा को अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूँ। कौन किसकी तस्वीरें खींचता है ये तो कल ही देखेंगे। आपको यकीन था मैं आऊंगी? बिल्कुल, वैसे आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। जी? कैमरे की निगाह से बोल रहा था। ओह। वैसे इन स्विट्जरलैंड की वादियों में ये रंग मुझे पंजाब की याद दिला दी। कुछ हो जाए? स्कीइंग करते हैं, साथ में फोटोग्राफी भी हो जाएगी। क्यों? क्यों नहीं? संभल कर पीछे ढलाना पीछे। अपनी हालत देखो। I can take care of myself।